मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 19 सितंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे पाप दादा बोले, मीठे बच्चे तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना, दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाबा ने आज प्रश्न पूछा है कि कौन सी बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। तो उत्तर में बाबा ने कहा कि हम बेहद बाप की संतान हैं तो विश्व के मालिक ठहरे, हमें देवता बनना है। ये बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी, तुम कहो ना कहो आप ही छोड़ देंगे। उल्टा सुलटा खान पान, शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे, कहेंगे वाह हमको तो ये लक्ष्मी नारायण बनना है, 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। ओम शांति। बाप घड़ी घड़ी बच्चों का अटेंशन खिंचवाते हैं कि बाप की याद में बैठे हो, बुद्धि कोई और तरफ तो नहीं भागती है। बाप को बुलाते ही इसलिए हैं कि बाबा आकर हमें पावन बनाओ। पावन तो ज़रूर बनना है और नॉलेज तो तुम किसी को भी समझा सकते हो। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है किसी को भी तुम समझाओ तो झट समझ जाएंगे। भल पवित्र नहीं होगा तो भी नॉलेज तो पढ़ ही लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 84 का चक्र और हरेक युग की इतनी आयु है, इतने जन्म होते हैं, कितना सहज है। इनका कनेक्शन याद से नहीं है, ये तो पढ़ाई है। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं, बाकी है सत्वप्रधान बनने की बात, वह होंगे याद से। अगर याद नहीं करेंगे तो बहुत छोटा पद पालेंगे, इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसलिए कहा जाता है अटेंशन, बुद्धि का योग बाप के साथ हो, इसको ही प्राचीन योग कहा जाता है। टीचर के साथ योग तो हर एक का होगा ही, मूल बात है याद की। याद की यात्रा से ही सत्वप्रधान बनना है और सत्वप्रधान बन वापस घर जाना है। बाकी पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, कोई बच्चा भी समझ सकते हैं। माया की युद्ध इस याद में ही चलती है, तुम बाप को याद करते हो और माया फिर अपनी तरफ खींच खींच कर भुला देती है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मेरे में तो शिव बाबा बैठा है, मैं शिव हूँ, नहीं मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा को याद करना है। ऐसे नहीं कि मेरे अंदर शिव की प्रवेशता है, ऐसे हो ही नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं कोई में जाता नहीं हूँ, हम इस रथ पर सवार होकर ही तुम बच्चों को समझाते हैं। हाँ कोई डल बुद्धि बच्चे हैं और कोई अच्छा जिज्ञासु आ जाता है तो उनकी सर्विस अर्थ मैं प्रवेश कर दृष्टि दे सकता हूँ, सदैव नहीं बैठ सकता हूँ। बहु रूप धारण कर किसी का भी कल्याण कर सकते हैं। बाकी ऐसे कोई नहीं कह सकते कि मेरे में शिव बाबा की प्रवेशता है, मुझे शिव बाबा ये कहते हैं, नहीं शिव बाबा तो बच्चों को ही समझाते हैं। मूल बात है ही पावन बनने की, जो फिर पावन दुनिया में जा सके। 84 का चक्र तो बहुत सहज समझाते हैं, चित्र सामने लगे हुए हैं। बाप बिगर इतना ज्ञान तो कोई दे ही ना सके, आत्मा को ही नॉलेज मिलती है, उनको ही ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। आत्मा को ही सुख दुख होता है, उनको ये शरीर है ना, तो आत्मा ही देवता बनती है। कोई बैरिस्टर कोई व्यापारी आत्मा ही बनती है। तो अब आत्माओं से बाप बैठ बातें करते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम जब देवता थे तो मनुष्य ही थे, परंतु पवित्र आत्माएं थी। अभी तुम पवित्र नहीं हो इसलिए तुम्हें देवता नहीं कह सकते। अब देवता बनने के लिए पवित्र तो ज़रूर बनना है, उसके लिए बाबा को याद करना है। अक्सर करके यही कहते हैं कि बाबा मेरे से ये भूल हुई जो हम देह अभिमान में आ गए। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि पावन ज़रूर बनना है,
कोई भी कर्म ना करो, तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। पावन बनने से मुक्ति धाम में चले जाएंगे और कोई प्रश्न पूछने की बात ही नहीं है। तुम अपने से बात करो, दूसरी आत्माओं का चिंतन नहीं करो। कहते हैं कि लड़ाई में 2 करोड़ मरे, इतनी आत्माएं कहाँ गई? अरे वह कहाँ भी गए, उसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुम क्यों टाइम वेस्ट करते हो? और कोई भी बात पूछने की दरकार ही नहीं। तुम्हारा काम है पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बनना। और बातों में जाने से मूंछ पड़ेंगे, कोई को पूरा उत्तर नहीं मिलता तो मूंछ पड़ते हैं। बाप कहते हैं मन मना भव, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, मेरे पास ही तुमको आना है। मनुष्य मरते हैं तो जब शमशान में ले जाते हैं तो उस तरफ मुंह और इस तरफ और पांव शमशान की तरफ रखते हैं, और फिर जब शमशान के पास पहुंचते हैं तो पांव इस तरफ और मुंह शमशान की तरफ कर देते हैं। तुम्हारा भी घर ऊपर में है ना, तो ऊपर में कोई पतित जा ही नहीं सकते। पावन बनने के लिए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाना है, बाप के पास मुक्ति धाम में जाना है। पतित हैं इसलिए ही तो बुलाते हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, लिबरेट करो। तो बाप कहते हैं अब पवित्र बनो। बाप जिस भाषा में समझाते हैं उसमें ही कल्प कल्प समझाएंगे, जो भाषा इनकी होगी उसमें ही समझाएंगे ना। तो आजकल हिंदी बहुत चलती है, ऐसे नहीं कि भाषा बदल सकते हैं। नहीं, संस्कृत भाषा आदि कोई देवताओं की तो है नहीं, हिंदू धर्म की संस्कृत नहीं है, हिंदी ही होनी चाहिए, फिर संस्कृत क्यों उठाते हैं? तो बाप समझाते हैं यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में ही बैठना है, और कोई बातों में तुम जाओ ही नहीं। इतने मच्छर निकलते हैं कहाँ जाते हैं, अर्थक्वेक में ढेर के ढेर फट से मरते हैं, आत्माएं कहाँ जाती हैं? इसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुमको बाप ने श्रीमत दी है कि अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करो, औरों के चिंतन में मत जाओ, ऐसे तो अनेक बातों का चिंतन हो जाएगा। बस तुम मुझे याद करो, जिसके लिए बुलाया है उस युक्ति में चलो। तुम्हें बाप से वर्षा लेना है और बातों में नहीं जाना है, इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं अटेंशन, कहाँ बुद्धि तो नहीं जाती, भगवान की श्रीमत तो माननी चाहिए ना। और कोई बात में फायदा ही नहीं, मुख्य बात है पावन बनने की। यह पक्का याद रखो, हमारा बाबा बाबा भी है, टीचर भी है, प्रिसेप्टर भी है, तो यह जरूर दिल में याद रखना है। बाप बाप भी है, हमको पढ़ाते हैं योग सिखलाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि का योग टीचर में और पढ़ाई में भी जाता है। और यही बाप भी कहते हैं कि तुम बाप के तो बन ही गए हो, बच्चे तो हो ही, तभी तो यहाँ बैठे हो, टीचर से पढ़ रहे हो, कहाँ भी रहते बाप के हो तो हो ही, और फिर पढ़ाई में अटेंशन देना है। शिव बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुम सतोप्रधान बन जाएंगे, ये नॉलेज और कोई दे ना सके। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है ना, तो ज्ञान में देखो कितनी ताकत है। ताकत कहाँ से मिलती है? बाप से ताकत मिलती है, और जिससे तुम पावन बनते हो। और फिर पढ़ाई भी सिंपल है, उस पढ़ाई में तो बहुत मास लगते हैं और यहाँ तो 7 रोज का कोर्स है, उससे तुम सब कुछ समझ जाएंगे। और फिर उसमें है बुद्धि परमदार, कोई जास्ती टाइम लगाते हैं कोई कम, कोई तो 2-3 दिन में ही अच्छी रीति समझ जाते हैं। मूल बात है बाप को याद करना, पवित्र बनना, वही मुश्किलात होती है, बाकी पढ़ाई तो मोस्ट सिंपल है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, 1 रोज के कोर्स में भी सब कुछ समझ सकते हो। हम आत्मा हैं, बेहद के बाप की संतान हैं, तो ज़रूर हम विश्व के मालिक ठहरे, यह बुद्धि में आता है ना। देवता बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं, जिसको बुद्धि में आ गया वो फट से सब आदतें छोड़ देंगे, तुम कहो ना कहो आप ही छोड़ देंगे, उल्टा सुल्टा खान पान शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहते हैं वाह हमको तो ये बनना है, 21 जन्मों के लिए राज्य मिलता है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे, चटक जाना चाहिए। मुख्य बात है याद की यात्रा, बाकी 84 के चक्र की नॉलेज तो 1 सेकंड में मिल जाती है,
देखने से ही समझ जाते हैं नया झाड़ जरूर छोटा होगा। अभी तो कितना बड़ा झाड़ तमोप्रधान बन गया है, कल फिर नया छोटा बन जाएगा। तुम जानते हो यह ज्ञान कभी कहाँ से मिल ही नहीं सकता। यह पढ़ाई है, पहली मुख्य शिक्षा भी मिलती है कि बाप को याद करो, बाप पढ़ाते हैं यह निश्चय करो। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ और कोई मनुष्य ऐसे कह ना सके। टीचर पढ़ाते हैं तो ज़रूर टीचर को याद करेंगे ना, तो बेहद का बाप भी है, बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। परंतु आत्मा कैसे पवित्र बनेगी यह कोई भी बता नहीं सकते हैं। भल अपने को भगवान कहें व कुछ भी कहें, परंतु पावन बना नहीं सकते। आजकल भगवान तो बहुत हो गए हैं, मनुष्य मूंज पड़े हैं, कहते हैं अनेक धर्म निकलते हैं, क्या पता कौन सा राइट है। भल तुम्हारी प्रदर्शनी व म्यूजियम आदि का उद्घाटन करते हैं, परंतु समझते तो कुछ भी नहीं। वास्तव में उद्घाटन तो हो ही गया है, पहला फाउंडेशन पड़ता है, फिर जब मकान बनकर तैयार होता है तब उद्घाटन होता है। फाउंडेशन लगाने के लिए भी बुलाया जाता है, तो यह भी बाप ने स्थापना कर दी है। बाकी नई दुनिया का उद्घाटन तो हो ही जाना है, उसमें किसी के उद्घाटन करने की दरकार नहीं रहती, उद्घाटन तो स्वतः ही हो जाएगा। यहाँ पढ़कर फिर हम नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम समझते हो कि अभी हम स्थापना कर रहे हैं जिसके लिए ही मेहनत करनी होती है, विनाश होगा और फिर ये दुनिया ही बदल जाएगी, फिर तुम नई दुनिया में राज्य करने आ जाएंगे। सत्यु की स्थापना बाप ने की है, फिर तुम आएंगे तो स्वर्ग की राजधानी मिल जाएगी। बाकी ओपनिंग सेरेमनी कौन करेगा, बाप तो स्वर्ग में आते ही नहीं। आगे चल देखना है स्वर्ग में क्या होता है, पिछाड़ी में क्या होता है, आगे चल समझेंगे। तुम बच्चे जानते हो पवित्रता बिगर विद ऑनर तो हम स्वर्ग में जा ही नहीं सकते, है ना। पवित्रता के बिना बाबा कहते सम्मान से आप जा ही नहीं सकते, इतना पद भी नहीं पा सकते। इसलिए बाप कहते हैं खूब पुरुषार्थ करो, धंधा आदि भी भल करो, परंतु जास्ती पैसा क्या करेंगे, खा तो सकेंगे ही नहीं, तुम्हारे पुत्र पौत्रे आदि भी नहीं खाएंगे, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए थोड़ा स्टॉक रखो युक्ति से, बाकी तो सब वहाँ ट्रांसफ़र कर दो। सब तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, गरीब जल्दी ट्रांसफ़र कर देते हैं और भक्ति मार्ग में भी ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे जन्म के लिए, परंतु वह है इनडायरेक्ट और यह है डायरेक्ट। पतित मनुष्यों की पतितों से ही लेन देन है, अभी तो बाप आए हैं, तुम्हारी तो पतितों से लेन देन है ही नहीं। तुम हो ब्राह्मण, ब्राह्मणों को ही तुम्हें मदद करनी है, जो खुद सर्विस करते हैं उनको तो मदद की दरकार नहीं। और यहाँ गरीब साहूकार आदि सब आते हैं, बाकी करोड़पति तो मुश्किल आएंगे। बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवास, भारत बहुत गरीब खंड है। बाप कहते हैं मैं आता भी भारत में हूँ, उसमें से भी ये आबू सबसे बड़ा तीर्थ है जहाँ बाप आकर सारे विश्व की सदगति करते हैं। यह है नर्क, तुम जानते हो कि नर्क से फिर स्वर्ग कैसे होता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, बाप युक्ति ऐसे बताते हैं पावन बनने की जो सबका कल्याण कर देते हैं। सत्युग में कोई अकल्याण की बात, रोना पीटना आदि कुछ भी नहीं होता। अभी जो बाप की महिमा है कौन सी, ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। तो अभी तुम्हारी भी यह महिमा है जो बाप की है, तुम भी आनंद के सागर बनते हो, बहुतों को सुख देते हो। फिर जब तुम्हारी आत्मा संस्कार ले नई दुनिया में जाएगी तो वहाँ फिर तुम्हारी महिमा बदल जाएगी, फिर तुमको कहेंगे, क्या कहेंगे, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी निरहंकारी। तो बाबा कहते अभी तुम हेल में बैठे हो। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल, बाप को ही बागवान खिवैया कहा जाता है। गाते भी हैं, क्या गाते हैं कि हमारी नैया पार करो, क्योंकि दुखी है तो आत्मा पुकारती है। भल महिमा भल गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं, जो आया सो कह देते हैं, ऊंचते ऊंच भगवान की निंदा करते रहते हैं। तुम कहेंगे हम तो आस्तिक हैं,
सर्व का सदगति दाता जो बाप है उनको हम जान गए हैं। बाप ने खुद परिचय दिया है, तुम भक्ति नहीं करते हो तो कितना तंग करते हैं। वह है मेजॉरिटी, तुम्हारी है माइनॉरिटी। जब तुम मेजॉरिटी हो जाएगी तुम्हारी, तो तुम उन्हों को भी कशिश करेंगे, तो उनको भी कशिश होगी तुम्हें देखकर, है ना। तो बाबा कहते बुद्धि का ताला खुल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है अपनी उन्नति का ही चिंतन करना है, अपनी दूसरी किसी भी बात में नहीं जाना है, पढ़ाई और याद पर पूरा अटेंशन देना है, बुद्धि भटकानी नहीं है। और सेकंड पॉइंट है अब बाप डायरेक्ट आए हैं इसलिए अपना सब कुछ युक्ति से ट्रांसफ़र कर देना है, पतित आत्माओं से लेन देन नहीं करना है, पास विद ऑनर स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र ज़रूर बनना है। बाबा ने वरदान दिया मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख, ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव। मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख, ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव। कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण व व्यर्थ दृश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता है, फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती है तो संस्कार बन जाता है, और फिर भिन्न भिन्न संस्कार दिखाई देते हैं जो ब्राह्मण संस्कार नहीं हैं। किसी भी व्यर्थ संस्कार के वश होना, अपने से ही युद्ध करना, घड़ी घड़ी खुशी गुम हो जाना, यह क्षत्रियपन के संस्कार हैं। ब्राह्मण अर्थात रूलर व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होंगे परवश नहीं। स्लोगन है मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर ले। मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर ले। ओम शांति।